नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग सीरीज देख रहे थे सीएचएसएल एग्ज़ाम का, तो आज हम करवाएंगे क्वेश्चन 15 अप्रैल 2021 में जो पूछा गया एग्ज़ाम है सीएचएसएल 15 अप्रैल का, उसका क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो इधर जो कुछ एग्ज़ाम हुआ है 15 तारीख का एग्ज़ाम का सीएचएसएल में जो पूछा गया है, तो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का आज हम काम करेंगे, तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपको आपके कंप्यूटर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यदि एक्स प्लस वाई बराबर पाँच, यदि एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 5 और 1y x + 1y का वैल्यू भी कुछ दिया हुआ है, तो आपसे फाइंड आउट करना है x³ + y³। तो आपको अगर फाइंड आउट करना है x³ + y³, तो आपको इसका फॉर्मूला या मालूम होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x + y³, ठीक है, -3 × 3xy × x + y, ये आपको मालूम होना पड़ेगा। तो आपको x + y का देखिए वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, तो आप यहाँ पर 5 का क्यू कर सकते हैं × 3xy × x + y। x + y का वैल्यू हम लोग 5 निकाल चुके हैं, और बस x × y का वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो x + y का वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसके लिए बगल में कुछ क्लू दिया हुआ है, और वो दिया क्या है, अब देखिए उसके लिए यहाँ पर एक बगल में दिया हुआ है, नीचे लिख देते हैं कि 1xy + 1yy = आपका कुछ दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 20/9। तो इसको सोल्व आप करिएंगे तो आ जाएगा x + y / xy। x + y का वैल्यू 5 पुट करिएगा, 5 × 4 = 20। xy का जो वैल्यू आएगा 9/4, क्या आएगा 9/4। यहाँ से xy का वैल्यू आएगा 9/4, और यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से 125 − 15 × 9/4, और आप इसे सोल्व करेंगे आंसर आएगा। तो इस यहाँ बस वैल्यू पुट करना है। आप यहाँ पर डायरेक्ट कुछ लोग सोचेंगे कि सर x + y का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो आप इसको x³ और यहाँ पर 2 रख के भी बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों जगह आपको फुलफिल्ड होना चाहिए ये वैल्यू। अगर आप दोनों जगह फुलफिल्ड हो जाता है तो ठीक है, नहीं अगर होता है तो फिर आपको बेसिक्स ही बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है दो भाग में बांटा जाता है 12,000। क्वेश्चन है 12,050 रुपया को दो भाग में ऐसे बांटा जा रहा है कि पहले भाग पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे भाग पर SI, ठीक है, और 10% का ही SI, कि 2 साल के लिए दिया जाता है, दोनों भाग में मिश्र धन समान हो जाता है। कहता है जो फाइनल जो आएगा वो इक्वल हो जाएगा, तो फाइनल हमारा मिश्र धन समान हो जाएगा, यानी टोटल आपका समान हो जाएगा। तो जब टोटल बाद में समान हो जाएगा मिश्र धन, तो आपसे कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना धन दिया गया था। अब आप सोचो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना धन दिया हुआ, यानी CI पर, तो CI जो हो जाएगा 2 साल का कितना हो जाएगा, 10% के रेट से 2 साल का CI 21%। तो अगर हम बात करें तो एक तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 121%, तो हम इसको मान सकते हैं, और SI कितना हो जाएगा 2 साल का 20%। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x का 121% / y का 120%, यही रेशियो हमारा होगा, x का 121% और y का 120%, यही रेशियो होगा। तो किस रेशियो में ये बटेगा, तो जब एक तो कहता है ये दोनों फाइनल में जाके क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो y का 120% इक्वल में चला जाएगा, तो x / y का वैल्यू आ जाएगा 120
20 बटा 121, मतलब एक्स जो था वो सी आई के रेट से था और वाई जो था एस आई के रेट से था। अब यहाँ से देखिए एक्स और वाई, तो एक्स हमको चाहिए, हमको एक्स निकालने के लिए बोला है कि सी आई के रेट से ही हमारा कितना धन लगा है, तो रेशियो निकल चुका है 120 और 121 दोनों को ऐड करिएगा तो 241 बराबर दिया हुआ है कितना 12050 12050। अब यहाँ से 5 बार में कैंसिल होगा, 50 बार में आएगा, 1 बराबर 50, तो आपसे पूछ रहा है कितना बराबर, x बराबर, क्योंकि x का ही मान आपसे पूछ रहा था कि x कितना पूंजी मिला है, तो यहाँ से x का पूछ रहा है तो आप x बराबर निकाल दीजिए, तो x का जगह पर है 120, x के जगह पर 120, तो 120 बराबर 12 25 60 6000 रुपया पर सी आई दिया, बाकी जितना पैसा बचा है उस पर एस आई दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। कहता है एक वृत्त में व्यास ए बी है जिसका केंद्र ओ है, एक सर्कल बनाइए जिसका जो है सेंटर ओ दिया गया है, एक सर्कल बना दीजिए जिसका सेंटर ओ दिया गया है। तो एक सर्कल हम बना देते हैं और इसका सेंटर हमारा कितना दिया है ओ, आगे क्या कर रहा है, उसका सेंटर ओ है और सी एक वृत्त, सी वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है और ठीक है, और इसका व्यास दिया हुआ है ए बी, ए बी व्यास दिया हुआ है, सेंटर ओ है और सी कोई वृत्त पर परिधि पर कोई पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, सी ए बी 42, सी ए बी देखिए सी ए बी इसको ऐसे मिलाइएगा तो ये एंगल आपका 42 दे दिया है, दिख रहा है ना, ये एंगल आपका 42 दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है सी ओ बी क्या होगा, सी ओ बी ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, ये एंगल जब 42 है तो ये एंगल भी 42 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, जब ये दोनों रेडियस है तो ये एंगल सीधा का सीधा कितना हो जाएगा, दोनों का डबल हो जाएगा और 42 दूना 84 यहाँ से 84 आ जाएगा सीधा आंसर, ये जो एंगल होगा ये दोनों का जोड़ होगा यहाँ पर एक्सटेरियर एंगल, तो 84 डिग्री आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नाव की गति बहाव की दिशा में उस नाव के नाव की धारा की विरुद्ध से 150% अधिक है, 150% का मतलब हो गया, 150% मतलब क्या हो गया, 3/2 अधिक है मतलब ढाई गुना हो गया, 150% अधिक है मतलब ढाई गुना हो गया, ठीक है, तो ढाई गुना हो जाएगा गति। आगे पहले पढ़ लेते हैं कि एक नाव की गति बहाव की दिशा में उस नाव के द्वारा गति का ढाई गुना है, आपका 80 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में नाव को इतना टाइम लग जाता है, देखिए धारा के साथ जा रहे हैं 80 किलोमीटर तो आपको धारा के साथ जाइएगा तो स्पीड जुट जाएगा, और 50 किलोमीटर जा रहे हैं धारा के विपरीत मतलब स्पीड घट जाएगा, ठीक है, तो आपको टोटल टाइम लग जा रहा है 8.2 आवर इतना टाइम लग रहा है। अब यहाँ से पूछ रहा है तो फिर नाव की धारा के अनुकूल गति क्या है, नाव का गति आपसे पूछने लगा, तो आप यहाँ से पहला वाला जो लाइन है वहाँ पर से आप इसको बना सकते हैं, कहता है एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 5:2 का है, क्यों है ढाई गुना, तो ये नाव का स्पीड है और ये धारा का स्पीड है, क्वेश्चन लिखा है कि 150% अधिक है मतलब ढाई गुना है, 150% अधिक है मतलब दो गुना है, ठीक है,
तो ये नाव का स्पीड 5 है, तो अगर इसको x लगाइएगा तो x में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 5x माइनस 2x, x और y के जगह पर पुट करिएगा तो 2x दोनों को यहाँ से जुट जाएगा, तो 80/7x जोड़ 50/2x बराबर 8.2। बस x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए 1/x, यहाँ से बच जाएगा 80/7 और यहाँ से 50/2 = 25 बराबर 8.2। अब इसको सोल्व कर देंगे इधर लाके, x का जो वैल्यू आएगा हमारा वही आंसर आएगा। वही पूछ भी रहा है कि नाव का स्पीड कितना था, तो नाव का स्पीड x था, अब वो बढ़ा के घटा के कुछ कुछ किया गया है तो वो तो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक दिया हुआ है 9a² + 25b² = 30 और ab का भी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से आपका ab का भी वैल्यू दिया हुआ है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि 9a² ठीक है, मतलब 49a² मतलब 7a² प्लस है कि माइनस है, प्लस है। 25b² मतलब 5b² बराबर 30 और ab का मान 1, इतना बराबर 30, ab बराबर 1, तो 7a और इतना का मान निकालिए, तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो 7a + 5b का हमको वैल्यू पूछा है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। इसका स्क्वायर करेगा तो इतना मतलब 30 प्लस 2 × 7 × 5 × ab और ab का वैल्यू 1 है, 30 और 7 × 5 = 35 × 70 यानी पूरा का पूरा 100 ये आ गया। तो अब इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 10। ये सिंपल क्वेश्चन था, लगभग सारा सिंपल ही रहता है, थोड़ा सा कहीं कहीं ना कैलकुलेशन डाल देता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी उत्पाद को 28% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य 5 लाख है, अब 28% पर बेचेगा तो 5 लाख, और उसी वस्तु को 32% लाभ पर बेचिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए भाई, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेल प्राइस, ठीक है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेल प्राइस। पहले बोला है कि 5 लाख में बेच ही रहे हैं तो 28% लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस अगर हमको निकालने के लिए बोलेगा तो 5 लाख का 28% 128/100 को क्या लिखेंगे, 100/128, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। फिर कहता है इसको 32% लाभ पर बेच दीजिए, तो क्रय मूल्य पर ये बिकेगा, तो इसको लिखेंगे 5 × 100/128 × 132/100 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप कटा लीजिएगा, इसको कटेगा जो थोड़ा बहुत कटेगा, बाकी आप डिवाइड करके आंसर आ जाएगा लाख में, लगभग पॉइंट में आ जाएगा आंसर, ठीक है, पॉइंट में लगभग में आ जाएगा आंसर। यहाँ पॉइंट में आंसर दिया था इसका। आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है कि cos x = 2/3। यहाँ से क्वेश्चन लिख दिया है कि cos x = नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है। cos x = 2/3 और आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 2 sec² x, तो 2 sec मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा जैसे ही आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/2 मतलब 9/2 9/4
उसके बाद प्लस है या माइनस, तो प्लस टू टेन स्क्वायर प्लस टू, टेन को आप चेंज कीजिए किस में, सेक में, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब सेक के जगह पर क्या लिखिएगा भाई, तो सेक के जगह पर आप लिख दीजिए 9/4, क्योंकि स्क्वायर है तो इतना, और यहाँ के बाद फिर क्या दिया है माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स बस सोल्व हो गया, इसको सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर एक ही लॉजिक करना था क्वेश्चन नंबर 7 में, कि क्वेश्चन नंबर 7 में लॉजिक जो है एक ही लिखना था, वो लिखना था कि टैन को हमको सेक में बदल लेना है, क्योंकि सेक का जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, और उसको हम पुट करके वहाँ से बना लें। ठीक है, आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुज है, और कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज का साइड का कुछ दिया रहेगा, त्रिभुज ए ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, एक दो त्रिभुज बना दीजिए, एक और दो त्रिभुज है, और त्रिभुज में से कहता है ए बी सी और डी ई एफ, ये बना दिया। अब क्या कहता है, दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो दिया है 49:9, 49:4, इसका रेशियो आ जाएगा 7/2। ठीक है, आगे क्या कहता है, इसका ए बी साइड 10 है, ए बी 10, बी सी 14, और क्या है ए सी 21, तो आप बता दीजिए कि ई एफ कितना होगा, तो ई एफ एक्स होगा, इसके लिए चलेगा ये, तो जो 14/x के रूप में होगा, अगर इसका अंडर रूट कर देते हैं तो 49/4 जो है 7/2 के रूप में टूट जाएगा। अब ये इतना हो जाएगा, तो इसका जो हम लोग पढ़े हैं कि इसके साइड का जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है, तो यहाँ से कट जाएगा 7 × 2 = 14, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी आपका ये वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 मैन कंप्लीटेड वर्क, सम वर्क 16 डेज, 30 आदमी अगर रहता है तो उस काम को करता है 16 दिन में, कितना दिन में, 16 दिन में, तो हाउ मेनी डेज विल 20 मैन कंप्लीटेड वर्क, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 20 आदमी एक से दिन में करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 8 से कैंसिल होगा, 8 + 3 = 24 आदमी मिल के इस काम को करेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन अगले स्क्रीन पर दिख जाना चाहिए। साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, देखिए अगला क्वेश्चन जो है साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों का जोड़ जो होगा ए वो 90 होगा, यानी एक्स का वैल्यू 45 आएगा, ये 45 डिग्री में दोनों बराबर होता है, तो 45 डिग्री आएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या, 2 tan²x, तो भाई 2 tan²x, टेन स्क्वायर एक्स मतलब 45 का मान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1/2, और उसके बाद फिर माइनस 1, दो में से एक गया एक और जोड़े एक मतलब 3/2 आंसर, कैलकुलेट करना था इसको। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज है, उसके परिधि का रेशियो इतना, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दीजिए। देखिए दो त्रिभुज के परिधि का जो रेशियो होता है उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके स्क्वायर के बराबर होता है, उसके स्क्वायर के बराबर,
तो एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया वन और टू का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर का, तो आप यहाँ पर उसका साइड दिया हुआ है 7.72 बटा 43.2, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ अगर कटता है कुछ कटेगा, नहीं तो स्क्वायर के फिर यहाँ तो ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से तुरंत बन जाता, तो यही इसका स्क्वायर के बराबर है। आगे बढ़ रहा है, बढ़िए, तो कह रहा है ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, साइन ए साइन थीटा बराबर हाफ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन ही नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि कुछ लोगों का औसत 74 है 75 है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का है। तो मान लीजिए कुछ इसमें जो है, मान लीजिए कि कुछ लोग का एवरेज 74 है, मान लेते हैं एक आदमी है इसका एवरेज 75 है, ज़्यादा है नहीं कुछ। आगे क्या कहता है कि पांच लोग जिनका औसत 66 है, यहाँ पर क्या होता है, समूह में शामिल हो जाते हैं, इसमें क्या करता है, ऐड हो जाता है। जब इसमें ऐड हो जाता है तो इसमें आप ऐड कर दीजिए कितने लोग, 5 लोग को, जिसका एवरेज क्या दिया हुआ है 66.6, ये इसमें शामिल हो जाता है। और 13 लोग जिनका एवरेज 72 है, 13 लोग और हैं जिनका एवरेज 72 है, वो क्या होते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। 6 लोग शामिल हो गए, 13 लोग चले गए, तो बचा कितना, 7 लोग और निकल गया है टोटल में से। तो इस तरह से कुल जो एवरेज घट जाता है, पहले आदमी कितना था, पहले आदमी था एक्स, अब एक्स माइनस 7 आदमी घट गया, तो एवरेज भी घट गया, कितना घट गया है 62, 1.62, तो 73.38 इतना एवरेज बच गया। इसको गुना करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा एक्स का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। एक बेलन के वक्र पृष्ठ और आयतन का रेशियो, तो त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो लिख दीजिए, कितना होता है 2πr(h) और उसका आयतन होता है πr²h। देखिए पाई से पाई कटता है, आर से आर कटता है, एच से एच कटता है, बचता क्या है, तो 2πr बचता है। और इसका रेशियो आपका दिया हुआ है 4:7, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, r=7/2 आ जाएगा। तो यहाँ से सीधे लिखने के बाद ही तुरंत कट जाता है, इसमें टाइम ही नहीं लगता, तुरंत कट जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/2। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किसी गेंद का क्रय मूल 1,34,000 है और 4% लाभ पर बेचा जाएगा, तो विक्रय मूल कितना होगा। तो 1,34,000 को 4% लाभ पर, 4% का मतलब होता है 1/25 और लाभ मतलब 26/25, इतना में बेचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा चार बार में, पर गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। सब एक लाइन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था आपका अभी तो 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x plus y plus z का वैल्यू दिया हुआ है और एक वन बाई एक्स प्लस वन बाई उसका भी वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है। तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया है 5, और अगला को अगर हम सोल्व करते हैं नीचे एक्स वाई जेड आएगा और वो आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इतना बराबर 0, तो यहाँ से फाइनली मिल गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0। ये देखिए मैंने निकाला, अब आपको चाहिए क्या, इसका होल स्क्वायर। तो किसका होल स्क्वायर चाहिए, तो हमको चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स
एक मिनट, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो यहाँ पर लिखे थे इसका वैल्यू तो हमारा जीरो हो गया, तो पूरा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इतना बराबर आपको इसी का स्क्वायर जो आएगा वही सिर्फ बचेगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर बराबर इसका बराबर आएगा, जो ये बचा हुआ है वही, तो यहाँ पर क्या बचेगा पाँच का स्क्वायर, तो ये पच्चीस आ जाएगा सीधा सीधा आंसर, पच्चीस आ जाएगा इसका सीधा सीधा आंसर। सत्रह नंबर क्वेश्चन आपसे अगर पूछा है कि सत्रह नंबर क्या है तो देखिए, सत्रह नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉस एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है रूट थ्री बाई टू। कॉस में रूट थ्री बाई टू किसका वैल्यू होता है, और वो थर्टी का होता है, कॉस में कितना होता है थर्टी का, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई बराबर थर्टी आ गया। और दूसरा में पूछ रहा है कि साइन में वैल्यू वन बाई टू किसका होता है, तो साइन में वन बाई टू वैल्यू होता है तीस का, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर तीस, दोनों को जोड़िएगा तो तीस, घटाइएगा तो तीस, वाई वाई कैंसिल, टू एक्स बराबर साठ, एक्स बराबर तीस। आपसे पूछा क्या था, तो आपसे पूछा है कि एक्स का मान निकालिए, तो एक्स का मान ईजी से निकल गया। अब सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन बचा है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, अगर किन्हीं को कैलकुलेशन नहीं आता है और वो भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि कैलकुलेशन भी कर दीजिए, तो हम कैलकुलेशन भी करके आपको दिखा सकते हैं, आपको हम करके जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।